नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट। हमारे चैनल पारस होम्योपैथी जोधपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे, बहुत ही कॉमन सी साइकेट्रिक इलनेस जिसका नाम है डिप्रेशन, या जिसको हिंदी के अंदर अवसाद भी बोलते हैं। तो दोस्तों, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन सिम्टम्स के बेस पे या लक्षणों के आधार पर इसको पहचान सकते हैं कि फलां फलां मरीज़ ये डिप्रेशन का मरीज़ है, और किन कारणों की वजह से ये जो डिप्रेशन पैदा होता है, और होम्योपैथिक मेडिसिन से किस तरीके से डिप्रेशन से बाहर निकला जा सकता है, क्या ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और इसके बेल बटन को ज़रूर दबाएँ, जिससे जो हमारे लेटेस्ट वीडियोज आ रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मूड डिसऑर्डर या साइकोलॉजिकल जो इलनेस है, कॉमन सी प्रॉब्लम है आज के समय की, चाहे वो भागा दौड़ भरी लाइफ हो, या वर्क स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, या आपको किसी तरीके की कंपटीशन की भावना हो, किसी भी कारण की वजह से अगर आपके थॉट्स जो हैं धीरे 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 लंबे समय तक चेंज होने लग जाते हैं, और आपके अंदर धीरे धीरे पता भी नहीं चलता कब जाके आप डिप्रेशन के शिकार होने लग जाते हैं। दोस्तों, डिप्रेशन के जो केस होते हैं, कुछ लोगों के अंदर कुछ परिस्थितियाँ होती हैं उनकी वजह से डेवलप होते हैं, कि कुछ उनके साथ बैड हैपनिंग्स हो जाती है, कई बार कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनको देख लेते हैं तो वो बिल्कुल शोक में चले जाते हैं, या कुछ जो ज़्यादा नज़दीकी रिश्तेदार हैं उनकी डेथ होने की वजह से, या कुछ ऐसे फाइनेंशियल लॉस होने की वजह से वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिनके साथ किसी तरीके की कोई घटना नहीं होती है, फिर भी वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके आगे हम बात करेंगे कि डिप्रेशन के मरीजों को किस सिम्टम्स के बेस पे अपन पहचान सकते हैं, तो दोस्तों, आज के समय की ये कॉमन सी प्रॉब्लम है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, काफ़ी लोग अब चिंतित हैं, टेंशन के अंदर रहते हैं, अपने जब बिजनेस से रिलेटेड, या अपनी नौकरी से रिलेटेड, या किसी तरीके की फाइनेंशियल लॉस से रिलेटेड, या हेल्थ से रिलेटेड कई तरह के इश्यू दिमाग के अंदर हो रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स अगर आ रहे हैं तो वो भी डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो केसेस होते हैं वो अपने आप को मरीज नहीं मानते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं, लेकिन उनके फैमिली मेम्बर्स की ये जिम्मेदारी होती है कि उनके अंदर इन सिम्टम्स को पहचानें और आप उनको डॉक्टर तक लेके जाएं और उनको फॉलोअप में रखें, जिससे ये मरीज़ आसानी से डिप्रेशन से बाहर आ जाएं। अब बात करते हैं दोस्तों, डिप्रेशन को अपन कैसे पहचानेंगे। सबसे इसका खास सिम्टम, पहला सिम्टम ये रहता है कि मन उदास रहता है, यानी हर समय रुआंसा, बिल्कुल मुंह चेहरा लटका हुआ सा, बिल्कुल ही रुआंसे रोनी सी शक्ल का ऐसा अगर नज़र आता हो, हर टाइम जैसे चिड़चिड़ापन लगता हो, बेचैनी सी लगती हो, कहीं भी बैठने का मन नहीं करता है, उठ के इधर उधर आते जाते रहते हैं, हर चीज़ में नेगेटिव थोड़ते हैं, छोटी सी बात पे उनको गुस्सा आने लग जाता है, और बिल्कुल दिमाग को खिन, बिल्कुल चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज रहता है, ऐसा सिम्टम्स डिप्रेशन के मरीज के अंदर हो सकते हैं। दूसरा आता है दोस्तों, इंटरेस्ट उनका धीरे धीरे कम होने लग जाता है, किसी तरीके का इंटरेस्ट नहीं रहता। अगर जो व्यक्ति खेल के अंदर इंटरेस्ट रखता था, क्रिकेट में रखता था, बैडमिंटन में रखता था, या किसी तरीके के टीवी देखने के अंदर किसी भी एक्टिविटी में रखता था, उन जो इंटरेस्टेड एक्टिविटी थी उनके अंदर भी उनको इंटरेस्ट नहीं आता, उनको अच्छा नहीं लगता है, तो दोस्तों ये चीज़ भी आपके लिए हो सकती है डिप्रेशन की तरफ ले जा रही हो। थर्ड चीज़ जो आती है दोस्तों, गिल्टी महसूस करते हैं वो लोग, यानी अपने आप को कोसते हैं, यानी किसी चीज़ के अगर कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया है, किसी तरीके की कोई घटना उनके साथ में वो जुड़े हुए रहते हैं, तो वो पूरे पूरा अपने आप को जिम्मेदार मानने लग जाते हैं, और पास्ट के अंदर जो घटित होता है उसके बारे में आज भी वो गिल्टी महसूस करते हैं, खिंता महसूस करते हैं, आत्मग्लानी महसूस करते हैं, और वो हर टाइम उस चीज़ को दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि वो लोग एक जगह पे अपने आप को एकाग्रचित नहीं कर पाते हैं, चाहे एक वर्क हो, चाहे खेल हो, चाहे किसी भी चीज़ के अंदर अगर वो देखते हैं करते हैं, तो उनके अंदर उनका मन नहीं लगता है, या वो एकाग्रचित नहीं हो पाते हैं, ऐसे मरीज भी डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आता है कि शारीरिक कमजोरी की, वो अपने आप को शरीर के अंदर कमजोरी सी महसूस करने लग जाते हैं, या अपने आप को एक मरीज़ मान बैठते हैं कि मेरे अंदर धीरे धीरे कमजोरी आ रही है, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, ऐसे केसेस के अंदर भी डिप्रेशन के शिकार मरीज हो सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आता है भूख में बदलाव, अगर आपके डाइजेशन के अंदर आपको अब्रप्टली चेंजेस अगर धीरे धीरे नज़र आ रहे हैं, कुछ केसेस के अंदर भूख ज़्यादा लग सकती है, उनका मोटापा बढ़ सकता है, कुछ केसेस जो होते हैं उनके अंदर भूख कम लग सकती है और उनका वेट लॉस हो सकता है,
ऐसे केसेस भी डिप्रेशन के हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग डिप्रेशन के अंदर खाना बहुत ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं या कुछ लोग खाते ही नहीं हैं, ऐसे केसेस। अब दोस्तों बात करते हैं कि कुछ उनका नींद का जो पैटर्न होता है उसके आधार पर अपन पहचान सकते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं उनको सोते हैं, सोने के लिए जाते हैं तो घंटों घंटों उनको नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते हैं, दो दो घंटे तीन तीन घंटे तक उनको नींद नहीं आती। अगर नींद भी आती है तो उनकी बार बार उछड़ती है नींद, बार बार नींद खुलती है फिर वापस सोते हैं, इस तरीके से पूरी रात निकलती है। या जब आपको मॉर्निंग के अंदर उठना चाहिए उससे पहले ही वो जाग जाते हैं या अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं करते, ऐसे केसेस के अंदर देखा जाता है कि दोस्तों ये डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि कुछ जो केसेस होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल जो इंटरेस्ट होता है वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाता है, उनका जो है सेक्सुअल की जो प्रवृत्ति है या इम्पोर्टेंसी की ये भी शिकार धीरे धीरे होने लग जाते हैं ऐसे केसेस के अंदर। और जो अपना जो डेली टास्क होता है, जो वर्क होता है, उसको पूरी एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाते, पूरी तरीके से उसके अंदर मन नहीं लगता तो ऑटोमेटिक वो वर्क इफेक्टेड होता है और प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों उसके बाद में बात करते हैं कि लास्ट के अंदर जो सब ये जो सिम्टम्स होते हैं उसके दिमाग के अंदर हावी होने लग जाते हैं और वो इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं कि धीरे धीरे इतने नेगेटिव थॉट्स की तरफ चले जाता है कि सब कामों के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ और ये जो है अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, यानी जो समस्या उसके दिमाग में चल रही होती है उसका उसके सोल्यूशन नज़र नहीं आता है, तो वो लास्ट उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है कि इस सब से मरना ही इसका उपाय रहता है, यानी सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं ऐसे केसेस के अंदर, यानी डिप्रेशन के जो केस होते हैं उनके अंदर ऐसी थॉट्स भी आने लग जाती है। तो दोस्तों जो डिप्रेशन के केस होते हैं वो इतने डीपली नहीं होते हैं, अर्ली स्टेज के अंदर उनको डायग्नोसिस कर लिया जाता है तो आसानी से अपन नॉर्मल ट्रीटमेंट से या नॉर्मल बिहेवियर से भी उनको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि ये जो केस होते हैं ये डिप्रेशन की तरफ क्यों जाते हैं, क्या कारण होते हैं उनके पीछे। तो दोस्तों एक होता है बायोलॉजिकल कारण, बायोलॉजिकल के अंदर ये आता है कि कुछ जो केमिकल्स होते हैं अपने शरीर के अंदर उनके अंदर चेंजेस आने की वजह से, जैसे सेरोटोनिन है, डोपामिन है, नोरएपिनेफ्रिन है, ये जो केमिकल्स बॉडी के अंदर कम अगर बनते हैं तो भी आपके अंदर मूड डिसऑर्डर होके ये चीज़ें डेवलप हो सकती है। जैसे सेरोटोनिन को माना जाता है कि दोस्तों खुश रहने वाला हार्मोन मानते हैं कि आपको मूड को बहुत अच्छा रखता है, तो इसके अंदर भी कमी आती तो आप उदासी महसूस करने लग जाते हैं, धीरे धीरे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। अब दोस्तों उसके बाद बात करते हैं कि कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। मैंने आपके पहले डिस्कस किया कि काफ़ी तरीके के अगर कुछ घटनाएं आपके साथ होती हैं, कुछ ख़राब घटनाएं होती हैं, कुछ तरीके के लॉसेज होते हैं, कुछ तरीके की मिसहैपनिंग्स होती हैं, किसी भी तरीके की घटनाओं को अगर आप दिमाग में लेने की कोशिश करते हैं उनको धीरे धीरे वो चीज़ हावी होने लग जाती है, आप स्ट्रेस फील करने लग जाते हैं, स्ट्रेस के बाद एंग्जाइटी महसूस करते हैं, उसके अंदर आपको बिल्कुल भय डर बनने लग जाता है और वो धीरे धीरे केसेस होते हैं एंग्जाइटी के, वो डिप्रेशन में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। तो ये जो इलनेस है वो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप अगर आपकी इस कंडीशन तक जाती है तो वो साइकोलॉजिकल कॉजेज के अंदर आता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो आपके इतने चेंजेस हो चुके हैं तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट का बेस ये रहता है कि अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो फर्स्ट आपका मेडिकेशंस होता है कि आपको मेडिसिंस दी जाती है जिसके अकॉर्डिंग आपको सेडेशन भी होता है, उसमें आपके जो थॉट्स नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनको रोका जाता है जिससे आप नॉर्मल सा फील करें। मेडिकेशन के बाद आता है आपका काउंसलिंग होती है, साइकोथेरेपी दी जाती है। काउंसलिंग के अंदर यही किया जाता है कि आपको बैठाया जाता है, आपकी थॉट्स के बारे में जाना जाता है कि आप किस तरीके के सोचते हैं, किस तरीके का आपका बिहेवियर है, आपकी नींद का पूरा उसके केस टेकिंग की जाती है कि जिसकी वजह से आपको ये चीज़ डेवलप हो रही है, और उसके जो थॉट्स होते हैं उसको अल्टरनेटिव थॉट्स के साथ में चेंज किया जाने की कोशिश करती है, यानी कि उनके जो थॉट्स हैं उनको चेंज करने की पूरी कोशिश करके उनको बाहर लाने की कोशिश की जाती है साइकोथेरेपी के द्वारा। तो यह भी बेस्ट होती है, विदाउट मेडिसिन साइकोथेरेपी से अगर कोई केस ठीक तो बहुत अच्छा अचीवमेंट होता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन या ट्रीटमेंट क्या इसके अंदर रोल करता है। तो दोस्तों डिप्रेशन जैसी कंडीशन के अंदर या मेंटल जो भी इलनेस या मेंटल सिम्टम्स जो होते हैं उनके ऊपर बहुत अच्छा वर्क करती है होम्योपैथिक मेडिसिन, या आपके जो मेंटल सिम्टम्स हैं सही तरीके से सिम्टम सिमिलरिटी के बेस पे होलिस्टिक अप्रोच करते हैं मेडिसिन दी जाए तो कैसे भी मेंटल इलनेस के केसेस के अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है होम्योपैथिक मेडिसिन से। अब दोस्तों बात करते हैं कि ऐसी कौन सी टॉप लीडिंग मेडिसिन है जो होम्योपैथी के अंदर यूज की जाती है। सबसे टॉप लीडिंग मेडिसिन में आती है इग्निशिया। इग्निशिया 30 पावर और 200 पावर अकॉर्डिंग टू केस चूज की जाती है और उन ऐसे केसेस के अंदर यूज की जाती है जो बिल्कुल निराश होते हैं, उदास होते हैं, बिल्कुल एकदम से यूँ मुँह लटका हुआ, बिल्कुल
ऐसे केस होते हैं कि अब तो जिंदगी के अंदर कुछ रहा ही ना, नहीं रहा रहा होता है ऐसे केसेस, या जिन लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती है तुरंत, जैसे कोई ऐसा कोई नज़दीकी आदमी ख़त्म हो जाता है या कोई एक्सीडेंट अचानक हो जाता है, उनका सदमा उनको लग जाता है, उसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ऐसे केसेस भी इग्निशिया के होते हैं। इग्निशिया का पर्टिकुलर सिम्टम ये होता है कि इन लोगों का मूड चेंज होता रहता है, मूड स्विंग होता है, कहने का मतलब एक टाइम तो ये बड़े खुश खुश नज़र आते हैं, थोड़ी देर के अंदर बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि एक बार हंसने लग जाते हैं थोड़ी देर बाद रोने लग जाते हैं, ऐसे केसेस होते हैं, ये होते हैं आपके इग्निशिया के। तो इग्निशिया सिम्टम सिमिलरिटी के बेस पर दी जा सकती है। और ये लोग जो होते हैं सिंपैथी को, ये लोग क्या क्या करते हैं कि ये लाइक नहीं करते हैं, लेकिन इनको हग करते हैं तो ये बड़ा अच्छा महसूस करते हैं, या अगर आपको गले उनके लगाओगे प्यार से तो उनके अंदर रिलीफ महसूस होता है, तो उन केसेस के अंदर इग्निशिया को दिया जा सकता है। सो सेकंड टॉप लीडिंग मेडिसिन में आती है दोस्तों नेट्रम्यूरेटिकम। नेट्रम्यूरेटिकम के जो केस होते हैं उनके अंदर कारण सबसे बड़ा ये होता है कि जो लंबे समय के साथ में उनके साथ में बहुत बड़ा कोई ट्रेजडी का पॉइंट उनके दिमाग से बहुत लंबे समय से दिमाग में घर कर रखा है, किसी तरीके की मिस हैपनिंग्स या खराब परिस्थितियां उनके दिमाग के अंदर हावी रहती है, तो उनके अंदर बेटर वर्क करती है नेट्रम्यूरेटिकम। नेट्रम्यूरेटिकम के जो केस होते हैं वो भी बड़े खिन खिन से सैड सैड बिल्कुल रुआंसे से रहते हैं, हर टाइम रोने जैसी शक्ल उनकी रहती है। इसके साथ साथ के अंदर ऐसे लोग होते हैं वो सिंपैथी चाहते हैं और हक करने से उनको आराम नहीं मिलता, वो अगर हक उनको हक कर लिया तो वो दूर भाग जाते हैं, इस ऐसी स्थिति बनती है उनकी उन केसेज में। और ये म्यूजिक अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये लोग सैड सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, बिल्कुल ऐसे जो है बिल्कुल सैड सॉन्ग सुनते हैं तो उनको अच्छा लगता है। और ये इनकी थॉट्स इतनी ज़्यादा गहराई पर सोचने लग जाते हैं, दिमाग पर इतना प्रेशर डालते हैं तो उनको हेडेक तक भी होने लग जाता है, ऐसे केसेज में दी जाती है नेट्रम्यूरेटिकम। नेट्रम्यूरेटिकम 30 यूज़ कर सकते हैं, 200 यूज़ कर सकते हैं, 1 mg यूज़ कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होलिस्टिक अप्रोच और सिम्टम सिमिलरिटी के बेस पे। दोस्तों थर्ड नंबर की जो मेडिसिन आती है वो सीपिया। सीपिया के जो केसेज होते हैं मेंटल सिम्टम्स होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि ये फीमेल्स मेडिसिन है, मेल्स में भी काम आती है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान कुछ लेडीज़ के साथ मिस हैपनिंग्स हो जाती है, कुछ बुरा बर्ताव होता है उनके साथ, हार्मोन चेंजेस भी होता है, हार्मोन चेंजेस की वजह से उनके बाद में वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या उनके बच्चे के साथ कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उनकी वजह से अगर हार्मोन चेंजेस होता है उसकी वजह से अगर फीमेल्स के अंदर ये दिक्कत देखने को मिलती है तो सीपिया को यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों सीपिया के जो मरीज़ होते हैं वो अपने घरेलू मेंबर्स होते हैं उनके प्रति एक उनका अलग सा रवैया देखने को मिलने लग जाता है, अगर डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, पहले वो अच्छा व्यवहार करते थे, थोड़े दिनों के अंदर उनके व्यवहार के अंदर जो अपने नज़दीकी लोग होते हैं उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं होता है, तो लगने लग जाता है कि ये लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। दोस्तों उसके बाद एक मेडिसिन आती है ओरम मेटेलिकम। ओरम मेटेलिकम गोल्ड से बनी हुई दवा है जो बहुत ही ज़्यादा अगर आपके थॉट्स बहुत नेगेटिव में जाते हैं या सुसाइडल थॉट्स जिन लोगों की दिमाग के अंदर आने लग जाती है कि अब इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है, मरना ही इसका उपचार है, उन मेडिसिन उन लोगों के लिए डिप्रेशन के केसेस के लिए ओरम मेटेलिकम 30 पावर की 5-5 बूंद दिन में 3 बार देने से ये लोग इन थॉट्स से धीरे 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 बाहर आते हैं और आसानी से ये जो केस हैं डिप्रेशन के ठीक हो सकते हैं। दोस्तों उसके बाद मेडिसिन आती है कालीफोस। कालीफोस के केस होते हैं जो मेंटली टोटल तरीके से एग्जस्ट होते हैं, बिल्कुल वीकनेस महसूस करते हैं, नर्वस एग्जस्ट यानी उनका दिमाग बिल्कुल एग्जस्ट हो चुका है, उनके दिमाग के सोचने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, किसी तरीके का कंसंट्रेशन उन लोगों के अंदर नहीं बन पाता है, ऐसे केसेज में कालीफोस 6x की 4-4 गोली दिन में 3 बार दी जा सकती है, जो नर्वस स्टिमुलेशन दे के या एक पावर देते हैं नर्वस पावर, उसके साथ में वो धीरे धीरे रिकवर करते हैं और आसानी से ये चीज़ ठीक हो सकती है। तो दोस्तों ये इसके लिए डिप्रेशन के लिए काफ़ी तरीके की मेडिसिन आती है, कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलरिटी, बहुत लंबी चौड़ी मेडिसिन, काफ़ी मेडिसिन हैं जो डिप्रेशन में काम आती है, लेकिन आपको कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करके या डॉक्टर की राय से ही मेडिसिन आपको लेनी चाहिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, जीव जिंदगी के रंग होम्योपैथी का संग। धन्यवाद दोस्तों।